पेन को क्यूट बनाते हैं। पेपर के ऊपर मैंने पेंसिल ड्रॉ कर ली और साथ में एक प्यारा सा कार्टून भी, और इसके अंदर अब मैं कलर करना शुरू कर दूंगी। बस इसके अंदर अपने फेवरेट कलर्स करने के बाद मैं यूज करने वाली हूँ सेलो टेप का, और इसे इसके ऊपर चिपका दूंगी और बस अब इन सभी को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये सिंपल सा कार्टून बनाया है, आप यहाँ पर कोई भी कार्टून बना सकते हैं। अब मैं यूज करूंगी एक पेन के रिफिल का और इसे इस पेपर के ऊपर चिपका दूंगी और बस इस पेपर को फोल्ड करके सेलो टेप से चिपका देंगे। सच में इस पेन को बनाने के बाद मेरा मन बार बार कुछ ना कुछ लिखने का या ड्रॉ करने का कर रहा था। अब मैं यूज करूंगी कॉटन का और कॉटन को इसके अंदर अच्छे से डाल दूंगी और इसे भी सेलो टेप से चिपका दूंगी और बस इस कार्टून को भी इसके ऊपर चिपका देंगे। और लो, हमारा प्यारा सा पेन रेडी है। पेन होने के साथ साथ स्क्वीजी पेन भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आप इस DIY को देखकर हैरान हो जाएंगे कि पेपर से भी इतनी सुंदर चीज बन सकती है। वैसे भी अब तो सभी के समर वैकेशन स्टार्ट हो रखे हैं, तो इसे बनाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पेपर से क्राफ्ट करो, तो इसीलिए आज मैं पेपर से ही क्राफ्ट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है जो 7x10 cm का है। इसके ऊपर मैंने ये प्यारी सी ड्रॉइंग कर ली है। अब मैं इसे ग्लू की मदद से चिपकाना शुरू कर दूंगी और इसके कॉर्नर को सीजर की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। और इस DIY को बनाना भी बहुत आसान है और मुझे सच में ये बहुत क्यूट लगा। आपको कैसा लगा? आज मैंने बनाए ये प्यारे से स्क्विशी टॉय। अगर आप भी बोर हो रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई करके देखना। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर के ऊपर छोटे छोटे फ्रूट्स को ड्रॉ कर लिया है और उसके ऊपर सेलो टेप लगा ली है और इन्हें कट कर लेंगे। तब तक मैंने कट कर रही हूँ, आप कमेंट्स में अपने फेवरेट फ्रूट का नाम बताओ। हम एक कटोरी के अंदर स्केच को चलाएंगे और उसके अंदर एक छोटा सा फोम का क्यूब डाल देंगे। ऐसे ही हमें सभी फोम्स को कर लेना है और बस ये रेडी है। इतनी भयंकर गर्मी होने के कारण मैंने बनाई ये प्यारी सी आइसक्रीम। वैसे ऐसा कौन ही होगा जिसे गर्मी में आइसक्रीम खाना पसंद ना हो। तब तक मैं इसे बना रही हूँ, आप लोग कमेंट्स में अपना आइसक्रीम का फेवरेट फ्लेवर बताओ। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इस आइसक्रीम को क्यूट बनाने के लिए मैं इसके ऊपर लगा दूंगी स्टिकर, जो कि मैंने खुद बना रखे हैं। स्टिकर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी सेलो टेप ताकि हमारा पेपर फटे ना। और अब हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। फिर हम इसे कोन की शेप दे देंगे और सेलो टेप की मदद से इसे चिपका देंगे। फिर हमें इसके अंदर थोड़ी सी कॉटन डाल देनी है और एक बैलून के ऊपर हमें इमोजी ड्रॉ कर लेना है और बस ग्लू की मदद से हमें इसके अंदर चिपका देना है। और लो, हमारी प्यारी सी आइसक्रीम रेडी है। ये देखो मेरे पास आज क्या है, मिनी फेस मास्क। और ये कितना क्यूट है, आप लोगों को भी ये चाहिए है क्या? और ये फेस मास्क मैंने खुद ही बनाया है, वो भी एक मिनट में। तो मैं बताती हूँ कैसे। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कॉटन टिश्यू और उसे एक फेस मास्क की तरह कट कर लेंगे। जब तक मैं इसे बना रही हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताओ आपके समर वैकेशन कैसे चल रहे हैं। मैं यूज करूंगी एक छोटी सी पॉलीथिन का और इस मास्क को पॉलीथिन के अंदर डाल देंगे। और अब मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी डाल दूंगी। बस पेपर के ऊपर मैंने ये क्यूट सी ड्रॉइंग कर ली है और इसे इसके ऊपर चिपका दूंगी और साथ में एक प्यारा सा स्टिकर भी इसके ऊपर लगा देंगे। और लो, ये रेडी है। चलो आज एक ऐसा क्राफ्ट करते हैं जिसे बनाए बिना आप नहीं रुक पाओगे। बस हमें फोम लेना है और उसे छोटे छोटे क्यूब की शेप में कट कर लेना है। अब मैं यूज करूंगी पर्पल कलर के मार्कर का और उसे ग्लास की कटोरी में चलाकर हम उसके अंदर पानी डाल देंगे और इन फोम को इसके अंदर थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे। अब मैं यूज करूंगी एक स्मॉल साइज के पॉलीथीन का और इसके अंदर मैं इन सभी फोम को डाल दूंगी और बस हमें अब इस पॉलीथीन को अच्छे से बंद कर देना है। अब मैं इसके ऊपर एक क्यूट सा स्टिकर चिपका दूंगी और लो, हमारा क्यूट सा स्क्विशी क्राफ्ट रेडी है। I keep dreaming but my dreams keep flying away. It's somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. It's something I don't do. I feel the wind blowing my face but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but I'm turning off I go. Pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life. And I gotta say, it's one of a kind. Finally, हमारे YouTuber 10 million subscriber complete हो गए। हाँ, मुझे आज ऐसा ही एक सपना आता है और उसके अंदर मुझे डायमंड प्ले बटन भी मिल जाता है। पर जैसे ही सुबह मैं उठती हूँ, मुझे पता लगता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। इसीलिए मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए डायमंड प्ले बटन बनाने लग गई। मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और लो, हमारा डायमंड स्क्विशी प्ले बटन रेडी है। आपको ये कैसा लगा?
मुझे तो प्लांट्स बहुत पसंद है, चलो आज हम प्लांट बनाते हैं। और हम प्लांट कैसे बना सकते हैं? ओहो मैं हूँ ना, तो हमें लेनी है पेपर टेप और उसे एक वायर के ऊपर लगा देना है। और पेपर टेप को चारों तरफ से कुछ ऐसे कट कर लेना है जैसे कि मैंने किया है। और अब हम इसे लीफ जैसा बनाने के लिए ऐसे कट कर लेंगे और बस पूरी की पूरी लीफ पर ग्रीन कलर कर देना है। लीफ तो हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम बनाने वाले हैं प्लांट पॉट। तो उसके लिए हमें पेपर टेप से कार्डबोर्ड को चिपका लेना है और उसके ऊपर ब्राउन कलर कर देना है। अब हम एक फोम को सर्कल की शेप में कट कर लेंगे और उसको इसके अंदर डाल देंगे और अपनी लीफ को भी इसके अंदर लगा देंगे। लो हमारा मिनी आर्टिफिशियल प्लांट रेडी है। चलो आज कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हम हर रोज मोटिवेट होते रहें। और इसे बनाने में थोड़ी भी मेहनत नहीं लगने वाली, ये मेरी गारंटी है। बस एक पोलोथीन लो और उसके ऊपर बहुत सारे स्केच चलाना शुरू कर दो। अब हम यूज करेंगे स्प्रे का, मैंने इसके अंदर वाटर डाल रखा है। इस पोलोथीन के ऊपर हमें वाटर को स्प्रे कर देना है। अब हम व्हाइट पेपर को इसके ऊपर रख दें। कुछ देर बाद पोलोथीन को हटा देंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ प्यारे से मोटिवेशन वर्ड्स लिख देंगे और इस DIY को देखने के बाद आपके दिल में जितनी खुशी हो उतनी खुशी कमेंट्स में भी जाहिर कर देना। तो मैंने इसके ऊपर लिखा है वर्क हार्ड ड्रीम बिग और बस सिंपली इसे हमें अपने फोटो फ्रेम के अंदर डाल देना है। और इसे अपनी वॉल पे लगाने के बाद आपका रूम और ऑफिस बहुत सुंदर लगने वाला है और साथ में आप मोटिवेट भी होते रहोगे। तो बताओ जरा ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना।